Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today, we are going to learn about new concept from your new chapter partnership. हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था. पार्टनरशिप्स के बेसिक्स के बारे में जाना था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है. और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है, जो हम पार्टनर्स का जो अकाउंटिंग बनाते हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने फाइनल अकाउंट्स के में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक वो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो जिसमें ये देखते हैं कि प्रॉफिट का कितना भाग हो. इस जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, उसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, उसका मतलब क्या है, पहले वो हम जानते हैं. बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो हम खर्चे लेते हैं जो डेबिट साइड में, वो प्रॉफिट को कम करते हैं. और जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जो भी हम डेबिट साइड में आइटम दिखाते हैं बेटा, वो प्रॉफिट को कम नहीं करते, वो प्रॉफिट को बांटते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है, एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना, ये प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट को कम नहीं करते. लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ भाग बेटा देखो पार्टनर कमीशन में गया पार्टनर के पास है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी किसको मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है. पार्टनर सैलरी किसको मिल रही है, पार्टनर को. और जो कुछ बचा प्रॉफिट वो हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया, मतलब उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो आप यहां से देख सकते हो कि इसमें से एक भी आइटम ऐसी नहीं जो फर्म के बाहर गई हो, यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो फिर आज की क्लास में हम जो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपका 4 मार्क्स का ही वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो मैं आज की वीडियो में कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम्स में अपने माइंड में याद रखने हैं जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे. सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए जो आपके पास स्टेटमेंट आएंगे बेटा उसके अंदर आपको 3-4 आइटम्स ऐसी होंगी जिसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. वो कौन कौन सी आइटम है, टर्म है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स, मैनेजर कमीशन, पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट, पार्टनर्स रेंट. ये अगर ये आइटम्स आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगी तो ये चार्ज अंगेज्ड प्रॉफिट है. जो आइटम चार्ज अंगेज्ड प्रॉफिट होती है बेटा वो हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसलिए ध्यान रखना पेपर में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, मैनेजर कमीशन है, पार्टनर्स रेंट है, तो वो कहां पे शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड. उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको स्टेटमेंट में गिवन मिलेगा, नेट प्रॉफिट आपने रखना है. और 3 आइटम्स में से कोई भी आइटम आपको गिवन है तो आप उसके लिए पीएनएल बनाओगे. फिर इस क्रेडिट साइड में से हम डेबिट को माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब यहां पर जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से हमें जो भी आइटम्स डेबिट साइड में जाएंगे उसको हम डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट में जाएगा वो क्रेडिट में. इट्स लाइक अ, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट ही है, जहां डेबिट में हम खर्चे और क्रेडिट में इनकम. बट जो इनकम और जो खर्चे हम दिखा रहे हैं ना बेटा, ये फर्म के बाहर कहीं भी नहीं गए, यानी कि बस हम दिखाते हैं खर्चों में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिखा तो दिया कि प्रॉफिट को कम कर रहा है, बट ये प्रॉफिट को कम नहीं कर रहा है, ये प्रॉफिट को बांट रहा है. इसलिए इसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा इसके डेबिट में जाता है पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, और उसके क्रेडिट साइड में जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये आपको देखने को मिलेंगे. कुछ टर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, हम विद इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे. तो आपको ध्यान रखना है अगर ये 3 आइटम्स दे रखी हो तो उसके लिए पीएनएल बनेगा. और अगर पीएनएल के अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन ये है, पार्टनर सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बेटा ये इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि पेपर में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है. मैंने आपको बता दिया अगर ये 3 आइटम्स देके सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा, अगर
ये आइटम्स है इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है क्या उसमें कुछ गड़बड़ है, क्या उसमें कुछ मिस्टेक कर रखी है। वो तुम्हें कैसे मिस्टेक देगा, कुछ ना कुछ यही आइटम्स आपको माइनस करके देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 2 लाख रुपीज। यानी कि उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, हमें प्रॉफिट को पहले ठीक करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको यहां पर जो आप प्रॉफिट शो करोगे तो यहां पर आपको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। वो आपको सबसे पहले अगर कुछ भी प्रॉफिट में गड़बड़ है पहला स्टेप हमारा प्रॉफिट को ठीक करना है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या देखेंगे कि कौन किस आइटम के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन और पार्टनर रेंट्स। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद देन हमारा प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो की पॉइंट्स है वो ध्यान रखना आप अपने माइंड में। देखिए सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा करना कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैं वन बाय वन आइटम बता रहा हूं ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, अगर पेपर में आपको रेट ना बता रखी हो तो हम कितने परसेंट से रेट लगाएंगे, 6%। वैसे आपको पेपर में कैलकुलेट करके मिलेगा अगर पार्टनर लोन आपको गिवन है कि कितना पार्टनर ने लोन दिया उसका 6% क्या होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ध्यान रखें 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। सेकंड पार्ट पार्टनर्स रेंट, हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस आइटम की बात कर रहे हैं। पार्टनर रेंट आपको गिवन मिलेगा ध्यान रखना, उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है बेटा मैनेजर कमीशन। बेटा जो मैनेजर कमीशन है इसके टू मेथड है, आपको भी पता है पार्टनर कमीशन में भी मैंने आपको सिखाया था, मैनेजर कमीशन में भी वही है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या और आफ्टर का मतलब क्या, मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगा कि हम करते क्यों है। बिफोर में तो बेटा हम 10/100 लेते हैं और आफ्टर में क्या लेते हैं 10/110। अगर यहाँ पे 20% है तो 20/120 है, अगर 30% है तो 30/130 है। ध्यान रखना आपको प्रॉफिट का, अब वो जो प्रॉफिट का कह रहा है उसका आपने क्या करना है 10% निकालना है। अगर उसने मान लो P&L अकाउंट है, यहां मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, यहां पर हमारे पास है टू साइड में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, टू पार्टनर्स रेंट, फिर मैनेजर कमीशन की एंट्री आते हैं। बेटा ध्यान रखना अगर उसने आपको कहा है कि प्रॉफिट का 10% देना है तो बेटा जो प्रॉफिट आपने यहां मेंशन किया है ना बेटा उसका 10% आपको देना है। अगर उसने आपको ये कहा कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर्स रेंट आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आप माइनस करके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर रेंट को आप माइनस करोगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आपका 10% देना है। ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर कुछ ना कह रखो तो जो ये वाला प्रॉफिट है इसका हम 10/100 करेंगे, अगर आफ्टर दे रखे तो हमें परसेंटेज क्या लेनी पड़ती है, जो ऊपर परसेंट आपकी 10 है वो नीचे हमें प्लस करके लिखना पड़ता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कमीशन में कि हम करते कैसे हैं। 10/100 10, 20/120 और 30/130। चलिए बेटा वो कहता है मैनेजर कमीशन में आफ्टर जो हम ले रहे हैं 10/10 मैनेजर कमीशन के अंदर जो हम 10% आफ्टर वाला क्या, आफ्टर बिफोर का तो क्लियर, आफ्टर वाला सुनो उसका कहने का मतलब क्या है। कह रहा है जो आपका प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से आप अगर वो कहता है ठीक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी हम माइनस कर देते हैं,
हम माइनस कर देते हैं रेंट जो पार्टनर को पे करा है, कह रहा उसकी कमीशन भी माइनस करनी है, मैनेजर कमीशन, कह रहा जो प्रॉफिट आएगा उसका आपको 10% देना है, उसका आपको 10% देना है, बट प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख है मान लो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अपना 1000 रुपीज है, रेंट भी आपका 1000 रुपीज है, मैनेजर कमीशन आपको पता नहीं, वो तो आपको निकालनी है। देखो बेटा प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होती है 100%, मैनेजर की वैल्यू कितनी है कमीशन की 10%, ये तो आपको कंफर्म है, बट हमें जो प्रॉफिट है ना वो तो हमें यहां तक का पता है ना। देखो 4 लाख में से 1000 तो अपने पास कितना आ गया 3,98,000 रुपीज, और जबकि इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस होनी चाहिए, उसका 10% देना भी, तो मैनेजर कमीशन तो हमको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉफिट की वैल्यू 100% है और 10% आपकी मैनेजर कमीशन है, इसलिए हम आफ्टर में क्या करते हैं 3,98,000 रुपीज में हम 10/110 कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी ना ये हमें पता है, प्रॉफिट अब इसमें 10% कमीशन माइनस होना है ना वो तो हमें पता ही नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं आफ्टर में हम क्या करते हैं 10/110 करते हैं, ये रीजन है बेटा मैं आफ्टर में करने का। आई होप यहां तक आपको सभी समझ आ गए कि पार्टनर्स कमीशन सॉरी मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर सेंट के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 1/1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसा है। बेटा प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ नहीं करना होगा आपको, पेपर के अंदर कैपिटल की अमाउंट आपको गिवन मिलेगी कि एबीसी ने कितनी कैपिटल लगाई है, उसका 10% सीधा सीधा बोलेगा पेपर में क्वेश्चन में कि 10% ईच पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जितनी एबीसी ने कैपिटल लगाई हुई है, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, उसका 10/100 कर दोगे आप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजिली निकल जाएगा आपका पेपर में। उसके बाद अपने पास पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर सैलरी है वो हम कैसे निकालते हैं, या तो पेपर में आपको एनुअली सैलरी मिलेगी कि ए को 1000 या तो पर मंथ बोलेगा आपको और बी को क्या बोलेगा 1000 एनुअली पर एनम, तो पर एनम का मतलब हमें अकाउंट में तो 1000 रुपीज लेना है, अगर पर मंथ है तो 1000 × 12 तो कितनी सैलरी आ गई अपने पास 12000 एनुअली। मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पेपर में इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको देखने को, कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, सीधा सीधा कैपिटल आपको गिवन होगी, आपको 10/100 करना है, सिंपल परसेंटेज आपको गिवन मिलेगी। सैलरी से रिलेटेड या तो सैलरी आपको एनुअली देगा वो सैलरी पेपर में, या आपको सैलरी मिलेगी बेटा पर मंथ में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, ड्रॉइंग एज यू नो कि ड्रॉइंग हम पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा निकालते हैं फर्म से तो हमें फर्म को पे करना पड़ता है, तो फर्म के लिए इनकम है ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आप जितनी भी आपने ड्रॉइंग निकाली है, मान लो आपने 10,000 रुपीज निकाली है साल में, 10% उसका 100, बेटा ड्रॉइंग पे 6 मंथ का लगता है, आपको टाइम पीरियड पेपर में गिवन ना हो, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में ड्रॉइंग मिल रखी होगी तो ध्यान रखना उसमें 6 महीने का ब्याज लगेगा, ध्यान रखना 6/12 करके हम निकालेंगे, ड्रॉइंग पे लगता है 6/12 मतलब 6 मंथ का, पार्टनर सैलरी में या तो ज्यादा ज्यादा पेपर में एनुअली दे देगा या पर मंथ देगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजी है, 3 आइटम अपनी कहां जाती है तो डेबिट साइड में जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाती है बेटा क्रेडिट साइड में। एक हमारे पास अब रह गया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजर वो पार्टनर कमीशन, अब पार्टनर कमीशन निकालने के लिए सेम वही केस है जो आपको वो बोलेगा पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन के 2 मेथड है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिफोर की और सेकंड क्या बोल रहा है वो आफ्टर। बिफोर में आप क्या करते हो, बिफोर में आपको 10/100 करना है और आफ्टर में कितना करना है 10/110। मैंने आपको लॉजिक अभी बता दिया, वो कह रहा है कि प्रॉफिट में से ना उसकी कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10% देना है, हमें पता तो होती नहीं मैनेजर, इसलिए प्रॉफिट की वैल्यू कितने के बराबर आती है अभी मैं तुम्हें मैनेजर कमीशन में समझाया था वो 110 इसलिए आई है वैल्यू। तो बिफोर मेथड में करते कैसे, जो जो वो चीजें तुमको कहेगा ना प्रॉफिट में से माइनस करने के लिए वो आपको करनी पड़ेगी, जैसे वो तुम्हें कहेगा कि प्रॉफिट आपके पास है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दो जो भी दे रखा ऊपर, कहेगा सैलरी भी माइनस कर दो,
कहता जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास उसका 10% आपको कमीशन देना है। प्रॉफिट आपका दे रखा होगा नीचे, आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन राइट साइड में लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, सैलरी दे रखी है, तो पहले सारी एडजस्टमेंट आप कर दोगे, फिर आपको पार्टनर कमीशन की सबसे एंड में पेपर में एंट्री करनी है। वो कहेगा प्रॉफिट में से मैंने ये चीजें माइनस कर दी, उसका 10% मैंने उसको कमीशन दे दिया। आफ्टर में गई, आफ्टर में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट है मान लो दो पार्टनर है, तो ए पार्टनर की कमीशन है, बी की कमीशन है। बट आफ्टर वाले केस में ध्यान रखना, जब पेपर में दो पार्टनर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको जब आप बी की कमीशन देने बैठोगे तो प्रॉफिट में से ना, प्रॉफिट तो आपको पहले ही पता कितना है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा आपको, आपको माइनस करना पड़ेगा सैलरी, और उसमें से आपको जो ए की कमीशन भी आई है वो भी माइनस करके आपको बी को कमीशन देनी है। बी का ये प्रॉफिट आ जाएगा, इसका आफ्टर देगा तुम्हें वो, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या, सभी कमीशन माइनस करने के बाद, तो सभी कमीशन में तो ए की भी कमीशन आ गई और बी की भी आ गई, पर बी की पता नहीं इसलिए हम 10/110 करते हैं, बट ए की तो हमें पता है ना, तो ए की कमीशन हमें माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान रखना पेपर में दो वाला पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो 6 क्वेश्चन आपके डीके गोयल की बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। उसमें हम यही करते हैं, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस करते हैं, तो ए की कमीशन दे दी, बट जब बी की कमीशन देने आएंगे तो हमें ए की कमीशन भी माइनस करनी पड़ेगी। प्रॉफिट यहां तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो ही पड़ी है सैलरी तक, तो बस जो है प्रॉफिट आ रखा है इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ए की कमीशन, तो फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका हम आफ्टर देंगे 10/110। ये था बेटा पार्टनर कमीशन, ये मैंने आपको 1/1 बता दिया, ये क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना आप कि कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको विद प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। ओके बेटा।